आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला। जी हाँ, हमारा नया कोर्स है एडवांस एक्सेल फॉर्मूला। आज से हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मूले में हम आज बात कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कि हम एक्सेल में किस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब हुआ कि देखिए, कैलकुलेशन के फॉर्मूला से भी होता है और बगैर फॉर्मूला के भी होता है। जैसे यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है। अब इसको जोड़ने के लिए हमारे पास इनबिल्ट फॉर्मूला सम का है, इनबिल्ट फॉर्मूला सम का है। और दूसरा हमारे पास है कि हम इसको सम से कर रहे हैं, और दूसरा है कि हम इसको प्लस के सिंबल से भी कर सकें। कैलकुलेशन इस तरह से दो तरह से होती है। जो इनबिल्ट फॉर्मूला है वो लिमिटेड है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ फॉर्मूला आपको बना के दिए हैं। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हर कैलकुलेशन के लिए आपके पास इनबिल्ट फॉर्मूला हो। लेकिन ये जो हम ऑपरेटर के थ्रू हम करते हैं, ये हम अपने हिसाब से फॉर्मूला बना सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए इसी के कुछ एग्जाम्पल हम देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सेल में मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन है। जैसे कि यहाँ पे आपके प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और एक पावर का है, राइट? एक हमारा पावर का है। तो यहाँ आपके फॉर्मूले के ये आपके फॉर्मूले के मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वार्टर, मान लीजिए एक सिंपल सा कि क्वार्टर 1 है और क्वार्टर 2 है। क्वार्टर 1 में मान लीजिए कि 150 सेल है, क्वार्टर 2 में 158 सेल है। तो मुझे इसका ग्रोथ परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है। तो ग्रोथ परसेंटेज निकालना है। जय कुमार जी, गुड मॉर्निंग। लेट हो जाते हैं डेली आप। मैं रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया, रिकॉर्डिंग शुरू कर ले। मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। तो नोट पैड पे ग्रोथ कैसे निकालेंगे आप? मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या ग्रोथ निकालने का? तो ये है कि क्वार्टर 2 माइनस क्वार्टर 1 डिवाइड बाई क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 माइनस क्वार्टर 1 डिवाइड बाई क्वार्टर 1, मतलब लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट। अब यहीं पे हमें सेम चीज करने की कोशिश करेंगे। तो हम इक्वल लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट। अब यहाँ पे आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। सर हमने सही लगाया है। रिजल्ट सही ना आने के पीछे रीजन ये है कि इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर तो लगाया हमने, बट बोर्ड मास मेथड नहीं लगाया। मतलब कि मुझे, क्योंकि पहले क्या करेगा, डिवाइड करेगा, उसके बाद मल्टी माइनस करेगा। अब इसको देखने के लिए कि भाई सच में किया ऐसा, तो उसके लिए आप चले जाइए फॉर्मूला बार के। यहाँ आपके सामने दिखेगा एवलेट फॉर्मूला। देखिए यहाँ पता चलेगा कि बी सेवन को लिया, A7 को लिया और B7 को लिया। अब देखिए 150 डिवाइड बाई 158, रिजल्ट आया, फिर वो जुड़ गया। तो इसको अगर हम ब्रैकेट में रख लेते हैं तो फिर वो ब्रैकेट के अंदर वाला पहले कैलकुलेट होगा, फिर बाहर वाला कैलकुलेट होगा। ब्रैकेट के एवलेट जो होगा आपका कैलकुलेट होगा, फिर दूसरा कैलकुलेट और आपके सामने रिजल्ट आ गया। अब परसेंटेज में लाने के लिए हमें इसके ऊपर ग्रोथ परसेंटेज का सिंबल दे देना है। अब चलिए कुछ अब बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखिए होता क्या है कि जब ऑफिस में आप जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो कैलकुलेशन दी गई है उसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला हो। तो जब लेकिन उसकी मैथमेटिकल आपको उसकी मैथमेटिकल ट्रिक्स पता है तो आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। मतलब कि प्रिंसिपल 50,000 है, रेट मान लीजिए कि आपका 5% ईयरली है और टाइम मान लीजिए कि 3 साल है। तो 50,000 रुपये 5% से 3 सालों के लिए दिया गया है, मुझे इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है। हालांकि इसके अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक्सेल में फॉर्मूला है, बट कुछ लोगों को उस फॉर्मूला पे ट्रस्ट नहीं होता है, वो जैसे मैनुअली करना चाहते हैं वो करना चाहेंगे जो मैथमेटिक्स में है। तो मैथमेटिक्स क्या कहता है, अमाउंट इक्वल टू, मैथमेटिक्स कहता है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मतलब पी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R डिवाइड बाई N पावर ऑफ P मल्टीप्लाई बाई N। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जिसकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी वो समझ आएंगे, लेकिन क्या है कि मैथमेटिक्स हम लोग भागते चले हैं तो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। सोच रहे होंगे क्या करें सर, एक्सेल जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, मैंने पहली क्लास में बताया था। तो यहाँ पे जो है इस कैलकुलेशन को करना है। अब प्रॉब्लम आती है, इसमें दो प्रॉब्लम आती है कि पहला एन इक्वल टू क्या है, एन मतलब हुआ कि आप अगर ईयरली निकालते हैं तो 1, हाफ ईयरली तो 2, क्वार्टरली तो 4 और मंथली तो 12। मतलब कि किस पीरियड के बाद आपका अमाउंट आपके प्रिंसिपल में जुड़ जाए, किस पीरियड के बाद आपका अमाउंट आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाए, दैट इज द एंड। दूसरा कि इसमें कैलकुलेट करते समय कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं पे आपका छूट सकता है, मतलब कि ब्रैकेट छूट सकता है, कहीं पे आपका कॉमा छूट सकता है। तो इसके लिए हम 1 बाई 1 कैलकुलेशन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम करेंगे आर डिवाइड बाई एन। R डिवाइड बाई N मतलब कि 12। फिर आएगा 1 प्लस R डिवाइड बाई N। ऐसे बोल दीजिए सर, हाँ तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने किया रेट मल्टीप्लाई 12 और फिर 1 कर दिया, तो 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन एक कैलकुलेशन हो गया। फिर हम करते हैं पी मतलब कि पी नहीं, माफ कीजिएगा यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे टी होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमने टी मतलब कि टाइम मल्टीप्लाई बाई 12 हो गया। अब इन दोनों के बीच में पावर मतलब कि स्क्वायर, तो पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर इसको लगा देंगे, तो रिजल्ट हमारे पास ये आया। एंड द फाइनल हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके साथ हो गया। अब आपके साथ आ गया 58,073.651, ये रिजल्ट निकल गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मुझे तो एक सेल में रिजल्ट चाहिए, तो इतने सारे लंबा आ गया। हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, कि कई सारे फॉर्मूला को एक फॉर्मूला के बीच में हम कैसे मर्ज करेंगे, तो इसको कॉपी करेंगे क्या होगा, जैसे कि ये फॉर्मूला देख लीजिए D15 से जुड़ा हुआ है D15, तो D15 के ऊपर जाएंगे, D15 के फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और जहाँ पे D15 है उसी के ऊपर रख के इसको पेस्ट कर देंगे। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ सिंपल। अब ये फॉर्मूला में देखिए कि ये दोनों से लिंक है, तो इसके अंदर जाते हैं हम, इसकी एड्रेस को कॉपी करते हैं E15 को, और जहाँ पे हमारा E15 है उसी के ऊपर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो वापस हम आते हैं F15 पे, इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर हम F15 के अंदर F15 का डेटा पेस्ट कर देते हैं और यहाँ इनको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जहाँ हमारे पास B12 है और G15 है, जहाँ पे हमारा G15 है, B12 तो फिक्स है 50,000, G15 है, इसके ऊपर हम इसका फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं और फिर इसको डिलीट कर देते हैं। अब मेरा फॉर्मूला हो गया, कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इस फॉर्मूले में कहीं पे ब्रैकेट छूट सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे यार सिंपल तो लगा लेते, कोई ब्रैकेट नहीं छूटता, तो झमेला करने की क्या जरूरत है। तो अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जहां हम बताएंगे कि सच में हमारा ये जो फॉर्मूला मर्जिंग मेथड है यूजफुल है आपके लिए। कैसे, जैसे कि हमारे पास एक MRP है, MRP निकालना है, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है, मतलब कि 50 रुपीज़ का सामान एक बनाने में लगा, तो मैन्युफैक्चरर जो था वो अपने लागत का 5% ऐड किया और डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, अपने खरीद का 10% ऐड किया और होलसेलर को दे दिया। होलसेलर ने क्या किया, अपने खरीद का 15% ऐड किया और रिटेलर को दे दिया। रिटेलर ने क्या किया, अपने खरीद का 20% ऐड किया और कंज्यूमर को दे दिया। ओके, हमारा कंज्यूमर को दे दिया। तो कंज्यूमर प्राइस इज द MRP। अलग सेल में हुआ है, मुझे इसको एक सेल में यहाँ रखना है। तो चलिए अब इसी मर्जिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ से उठाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जहाँ है, जैसे कि ये आपका C19 हमने उठाया है, C19 के जगह पे पेस्ट कर ब्रैकेट में। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हमने वापस कॉपी किया और यहाँ कहाँ है C20 पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ भी C20 है, तो C20 के जगह पे ब्रैकेट में लेके हम पेस्ट कर और फिर इसको वापस आते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ जहाँ पे हमारा D19 है उसके जगह पे इसको पेस्ट कर देते हैं। मैं D19 को डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने के बाद देख लीजिए आपका रिजल्ट चेंज तो नहीं हुआ है, और चेंज हुआ है मतलब कहीं पे गलती किया, कंट्रोल Z कर लीजिए और दोबारा से आप कॉपी पेस्ट कीजिए। यहाँ पे D20 के जगह पे D20 का फॉर्मूला पेस्ट कर लिया। अब फॉर्मूला कॉपी करते समय ध्यान रखिएगा कि इक्वल को कॉपी ना करें। हो गया, अब यहाँ पे आते E19 को कॉपी किया और यहाँ E19 है, तो इसके जगह पे हम पेस्ट कर लेंगे। अब देखिए धीरे धीरे फॉर्मूला कितना बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हमें E20 को कॉपी करना है और जहाँ हमारा E20 है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ भी E20 है, तो यहाँ भी हमें E20 को पेस्ट कर देना है। मैं इसको डिलीट कर देता और इसको भी डिलीट कर, नहीं डिलीट नहीं, इसका डिलीट करने से रिजल्ट चेंज होगा क्योंकि हमने कॉपी नहीं किया। यहाँ पे F19 के जगह पे इसका फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते, ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन गया। अब मुझे इसको उठा के यहाँ रखना है, तो कॉपी मत कीजिएगा, कट कीजिएगा, कंट्रोल X और फिर यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा, ताकि आपका रिजल्ट जो है वो मूव नहीं होगा। कॉपी में मूव होता है, कट पे मूव नहीं होता है। ये आपके सामने रिजल्ट आ गया। अब इतनी लंबी फार्मूला को अगर मैं भी लिखने चलूँगा मैनुअली तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी, मैं भी कई जगहों पे गलती करूँगा। बट फार्मूला मर्जिंग मेथड से हमने इजीली लिख दिया, तो आगे चल के कोई भी कैलकुलेशन ही नहीं, एक्सेल की जो फार्मूले आप लगाएंगे उसको आप अलग अलग सेल में लगाएं, फिर उसको वापस एक में कंबाइन कर लें। जी हाँ, अलग अलग सेल पे लगाएं और फिर उसको वापस एक में कंबाइन करें। ओके, समझ में आ गया सर आप लोगों को? ओके सर, अब आप लोग क्या करना है आपको कि आप ऐसे ही, क्योंकि मैंने आपको भी तीन एग्जाम्पल दिखाया। अब कोई भी मैथमेटिकल बुक ले ले या गूगल से डाउनलोड करे और मुझे 10 मैथमेटिकल कैलकुलेशन का एग्जाम्पल दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने के चांस ये है कि आप ऑफिस में जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ के लिए फॉर्मूला नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा और पहला इसमें क्या है कि आगे चल के हम आपको कई सारे फॉर्मूले एक ही सेल के अंदर लिखना सिखाएंगे, तो वहां आप इसका इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, मतलब कि कई सारे फॉर्मूले एक में लगाने के लिए। तो मुझे 10 एग्जाम्पल बना के अभी से आपको मिल जाइए और दीजिए मैथमेटिकल फॉर्मूला।